फील्ड उड़ द चार्ज्ड रिंग। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। देखिए बच्चे, ये आप लोगों के पास एक रिंग होती है, देखो ये इस तरीके की रिंग, ठीक है। इसके कारण ये एक रिंग है और इसके कारण हमें किसी पॉइंट पे, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो दिस इज योर रिंग, ये एक रिंग है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉडी को पॉइंट मान के और हम सीधा कर लेते हैं I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर ये कंसेप्ट सोचो कि हम इस रिंग को एक पॉइंट मान ले और पॉइंट के कारण सीधा कैलकुलेट कर ले, ठीक है, मैं कह दूं कि x डिस्टेंस से सीधा कह दूं k क्यू बाई x का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं कह दूं सीधा k क्यू बाई x का स्क्वायर। अगर मैं पॉइंट मान के कंसिडर मान लू, रिंग को एक पॉइंट मान लू, सेंटर पर कंसिडर करूँ, जैसा कि हम सेंटर ऑफ मास में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्स के साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको कैसे निकालेंगे, सिंपली कि एक पॉइंट चार्ज क्या मान लेंगे कंसिडर, क्योंकि हमें अब तक यही पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंसिडर द पॉइंट चार्ज डी क्यू एट दिस पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली एक नीचे भी मान लेंगे डी क्यू, जिसके एल कितनी है, डी एल। तो इस ये डिस्टेंस क्या मान लिया आपने आर, और ये डिस्टेंस क्या मान लिया आपने ए, ए भी द रेडियस ऑफ द रिंग। तो देखो इस पॉइंट पी पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहां से ये एंगल थीटा बना, तो ये एंगल भी क्या बना, थीटा। ये डी ई मैंने किसके लिए लिखा, फॉर डी क्यू चार्ज, तो ये बन जाएगा आपका एक कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, और ये इधर एक कंपोनेंट बन जाएगा डी ई कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली एक नीचे से मान लेंगे एक आप, ठीक है, इसके कारण भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, डी ई साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, डी ई कोस थीटा, इधर डी ई कोस थीटा, ये डी ई है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल, तो किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ड्यू टू द कोस थीटा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगी, ड्यू टू डी ई कोस थीटा के कारण। ठीक है, तो डी ई एस और टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। डी ई की वैल्यू कितनी होगी, यहां से के स्मॉल एलिमेंट है ना, के डी क्यू, देखो ये पॉइंट चार्ज होता है, इसके कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानते, तो इन डी क्यू से पी तक के बीच के डिस्टेंस लेते हैं ना, तो अब डी क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या आपकी, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को और कैलकुलेट कर लेते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। कोस थीटा की और वैल्यू निकाल लो, यहां से कोस थीटा कितना हो जाएगा, यहां से देखो ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया आपको, DE की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से पहले DE को सोल्व कर लो, DE कितना मिल गया आपको, K DQ अपॉन X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या मैं यही लिख दूं, पहले यही लिख देती हूं मैं, K DQ X स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। अब DQ कितना होगा, DQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लिया आपको पता है 10 पेन, एक पेन का मूल्य है 5 रुपए, तो 6 पेन का मूल्य 6 × 5 करते हैं ना, तो आपको क्या पता है कि 2 पाई ए सरकमफ्रेंस
circumference having the charge, having the charge कितना q, 2 pi a, इस पूरी circumference पे charge कितना आपका q, तो unit circumference पे charge कितना हो जाएगा q upon 2 pi a, ठीक है q upon 2 pi a, तो आपके पास आप पे कितना पूछा है dl length पे, ये dq element है इसकी length कितनी हो जाएगी dl, dl length पे कितना हो जाएगा q upon 2 pi a into dl, ठीक है तो dq की वैल्यू कितनी आ गई q upon 2 pi a into dl, सिंपल कांसेप्ट लगाया कि एक पैन का मूल्य इतना है तो पांच पैन का मूल्य इतना, 2 pi a सरकमफेरेंस पे चार्ज कितना है q, तो यूनिट पे निकाल लिया कितने पे चाहिए आपको dl पे, dl पे फाइंड आउट कर लो, ठीक है इतना समझ आ गया। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, यहां से ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, यहां पुट कर देती हूं मैं, देखिए यहां से एक बार ये वैल्यू कितनी होगी er, er कितना हो जाएगा, यहां से सारी वैल्यू पुट कर दो, इसको नंबर 1 कह दो, इस पहले de को लिख लो, पहले de क्या बन गया k, dq की वैल्यू रखो q upon 2 pi a into dl into cos theta, cos theta की वैल्यू कितनी है l x x square plus a square, और cos theta की वैल्यू है x square plus a square का अंडर रूट, अरे k q dq था, ये dq की वैल्यू मैंने यहां से यहां रख दी, ठीक है यहां पे आप dq की वैल्यू रखेंगे तो de बन जाएगा आपका k q 2 pi a into dl, ठीक है into x square plus a square का अंडर रूट, ठीक है अरे बात समझ आ गई, x square plus a square, square करेंगे तो square root अट जाएगा, square करेंगे तो यहां से square root अट जाएगा, ठीक है तो ये बन गया आपका de, और ये x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये cos theta की वैल्यू यहां पे मैंने पुट कर दी, ठीक है तो de टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई आपको, ये er, तो er की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, ये er की तो है ना, अरे यहां से de निकाला आपने, देखो ये de था, de की वैल्यू यहां रख दी, और आपने किसकी वैल्यू रख दी cos theta की, cos theta की वैल्यू रख दी आपने यहां पे और de की वैल्यू रख दी यहां, ठीक है तो क्या मिल गया er, तो k q 2 pi a, देखो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे dl का 0 टू 2 पाई है, ठीक है फिर से समझ लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड cos theta कंपोनेंट के कारण होगी, यहां से de की वैल्यू निकालो क्योंकि आपको पॉइंट चार्ज के पॉइंट वैल्यू पता है, k dq / r का स्क्वायर, r क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पुट कर दिया मैंने यहां पे r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है अब आपको dq की वैल्यू पता करनी है, तो dq की वैल्यू q upon 2 pi a into dl, तो dq की वैल्यू यहां रख दोगे तो de क्या बन गया आपका, यहां से आपका de बन गया, ये de k q 2 pi a into dl x square plus a square, ठीक है इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, तो यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, 2 और 3 को 1 में यूज करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, लिमिट क्या पूरी सरकमफेरेंस कहां से कहां तक है 2 पाई a, तो 0 टू 2 पाई a क्या लगा दोगे लिमिट लगा दोगे, ठीक है इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से, ये इसको आगे सॉल्व करिए लिखिए, तो ये बन जाएगा आपका er k q 2 पाई a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है लिमिट लगा दो, dl का इंटीग्रेशन क्या होता है l लिमिट 0 टू 2 पाई a, तो ये बन जाएगा यहीं पे लिख दूं मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है तो ये बना k q 2 पाई a into 2 पाई a माइनस 0 2 पाई, ठीक है ये x और ऊपर तो x भी लिख लेना, ये ऊपर जो x है ये यहीं पे भी आएगा आपका, ठीक है तो x 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ये 0 हटा दो, 0 में से घटाएंगे तो 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल, क्या मिल गया k q x x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई आपको ड्यू टू द पॉइंट
चार्ज, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से इसके केस देखो, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर एक्स क्या हो जाए जीरो, एक्स क्या हो जाए जीरो, मतलब ये पी पॉइंट कहां पे लाई करे उस केस में, एट द सेंटर, एक्स जीरो, इट मीन्स पी पॉइंट लाइज एट द सेंटर, लाइज एट द सेंटर, ठीक है। तो एक्स को क्या पुट कर दिया जीरो, तो पी पॉइंट कहां लाई करेगा, एट द सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी जीरो, क्योंकि एक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन गई जीरो। केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड कि एक्स बहुत ज्यादा ग्रेटर ग्रेटर हो जाए ए से, मतलब बहुत एट लार्ज डिस्टेंस पे जब हम देखे, ठीक है, जैसे मैं यहां से किसी तारे को देखती हूँ तो कैसे दिखाई देता पॉइंट, ठीक है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रिंग कैसी दिखाई देगी अजय, पॉइंट चार्ज, ठीक है। इन दैट केस रिंग सीन एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज कैसी दिखाई देगी एज ए पॉइंट चार्ज, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर की वैल्यू के क्यू एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ए को नेग्लिजिबल कर देंगे 3/2, ये इससे कैंसिल, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो ई आर क्या मिला के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यही कहा मैंने एट लास्ट डिस्टेंस रिंग कैसी दिखाई देगी एट एज ए पॉइंट चार्ज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ये पॉइंट चार्ज के कारण रिंग की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब इसका एक केस बनता है आपके पास थर्ड केस, कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम, कि एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, कि मतलब ये रिंग है आपके पास, ये रिंग है यहाँ पे, तो इस रिंग के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वहां पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो उस केस में क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दो और उसको इक्वल टू क्या पुट कर दो जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग की वैल्यू क्या आई के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बना लो चाहे अलग से, केस बना लो, केस नंबर थर्ड, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का क्या कर दो डिफरेंशिएशन और इक्वल टू क्या पुट कर दो उसको जीरो, तो क्या करेंगे डी आर बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स से डिस्टेंस क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, सेंटर से डिस्टेंस क्या हमारी एक्स है, तो ए रेडियस तो फिक्स है, ए रेडियस तो फिक्स है, तो वेरिएबल क्या बचा एक्स, क्यू भी फिक्स है रिंग पे और तो के तो कॉन्स्टेंट है ही ना, तो एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर देंगे जीरो, तो डी आर by dx डिफरेंशिएशन निकालते हैं के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन u by v रूल से कर लेंगे, u by v रूल किसी को ध्यान नहीं है तो मैं बता देती हूँ, देखो ये कोई फंक्शन है u by v, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या करते हैं v का स्क्वायर v into du by dx माइनस वी इंटू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्केयर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको ऊपर वाले को यू मान लो, नीचे वाले को वी मान लो, और इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इस यू वी रूल को फॉलो करते हैं, तो के क्यू को तो बाहर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इस सारे का स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो क्या बनेगा एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इंटू, इसको एज इट इज रखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर
थ्री बाई टू। अरे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, के क्यू तो बाहर है ही, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर का क्यूब, ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये वन हो गया। ये एक्स इसका क्या पावर को आगे लिया हो तो पावर क्या है थ्री बाई टू को आगे लिया है, पावर में से घटाया तो थ्री बाई टू माइनस वन क्या होता है थ्री माइनस टू वन बाई टू, ठीक है। फिर इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा टू एक्स, ए क्या है कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो। इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर पावर रूल क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर को आगे लिया हो पावर में से एक घटा दो, फिर पावर के ऊपर वाले पर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाते हैं dx by dx, तो x square plus a square पे ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका बना 2x और इसका क्या बन जाएगा 0, a square का क्या बन जाएगा 0 और x square plus a square का क्या बन जाएगा 2x, पावर को आगे लिया पावर में से एक घटा दिया, फिर पावर के अंदर ये बचा इस पे ऑपरेटर लगाया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, ठीक है। इसको आगे सोल्व करिए, जो आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से आपको, ये के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं तोड़ के लिख सकती हूँ, जैसे x की पावर 3 बाई टू है इसको क्या लिख सकते हो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाई टू, सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको भी मैं तोड़ के लिख रही हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर की पावर 1 बाई टू, ये 3 बाई टू है ना पावर, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। यहां पे देखो ये टू से टू कैंसिल तो थ्री एक्स इंटू एक्स, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो सीख लेना, अदरवाइज फिर से पूछ लेना मुझसे थ्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहां से के क्यू ये यहां से देखो अंडर रूट पावर इसमें भी है, इसको भी तोड़ के लिख दो यहीं पे थ्री बाई टू को तोड़ के लिख क्या लिख लोगे, ये वन बाई टू ही है यहाँ पे, थ्री बाई टू नहीं पावर वन बाई टू ही है नीचे, तो यहाँ पे भी वन बाई टू पावर है, यहाँ पे भी इसको बाहर ले लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये कुछ करता है वो काट दो, ये आपस में एक पावर कैंसिल तो के क्यू ये बना माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू, कटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपके पास, ये के क्यू, अब क्या बताया मैंने इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू क्या पुट कर दोगे जीरो, ठीक है। तो क्या बना इसको जीरो पुट कर दो, के क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो जीरो के बराबर पुट करोगे तो जीरो हो गया, के और क्यू तो कॉन्स्टेंट है ये जीरो हो नहीं सकते, जैसे मैं कह दू टू एक्स बराबर जीरो तो टू तो कॉन्स्टेंट हो जीरो के इक्वल नहीं होगा, एक्स किसके बराबर हो जाता है जीरो के, इसी तरीके से के और क्यू कॉन्स्टेंट है जीरो के बराबर नहीं होगी, ये जीरो के हो गया तो इसको क्या मिल जाएगा यहां से, इसको सब सोल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का ए स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर जीरो, तो टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर बाई टू, तो एक्स इसके बराबर हो गया ए बाई रूट टू प्लस माइनस, मतलब जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस ए बाई रूट टू तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी मैक्सिमम होगी। एट द ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन बाई रूट टू एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां पुट कर दो एक्स की जगह ए बाई रूट टू पुट कर दो ए बाई रूट टू एक्स बाई पुटिंग
बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू, तो क्या बन जाएगा एक्स स्केयर ए बाय रूट टू का स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये बना यहां से आपका के क्यू ए बाय रूट टू, ये बना ए स्केयर बाय टू प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। तो ये बना यहां से के क्यू ए बाय रूट टू, ये 3/2 ए स्केयर की पावर 3/2। तो ये बन जाएगा के क्यू ए रूट टू, नीचे आ जाएगा ये, इसको अलग अलग लिख लो, 3/2 की पावर 3/2 और ए स्केयर की पावर 3/2, ये दोनों की पावर 3/2 है, मैंने अलग अलग लिख लिया सोल्व करने के लिए। तो ये बन जाएगा यहां से के क्यू ए रूट टू, ये बना आपके पास 3/2 की पावर 3, तो 3 की पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हो 3 × √3 लिख सकते हो, 3 × √3, इसमें ये बन गया ए क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो के क्यू, तो क्या बन जाएगा यहां से ये यहां से कितना ए बाई टू, ये बन गया आपके पास 3/2। ठीक है, ये रूट टू नीचे आ गया तो सही है आपके पास, ये बना के क्यू 3 √ एक मिनट चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में, ए बाई रूट टू, ये बना ए स्केयर बाई टू प्लस ए स्केयर। ठीक है, इस सारे की पावर 3/2 थी, तो 3/2 ये मेरे पास ए बाई रूट टू नीचे आया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3/2, ये भी तो है ना नीचे 2 भी तो है ना, ये तो मैंने 3 को ही लिखा ना, 3/2 की पावर कितना है 3/2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3/2, ये नीचे लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख लो के क्यू ए रूट टू 3 की पावर 3/2 और 2 की पावर 3/2 ये ऊपर चला गया इंटू ए क्यूब, एक ए से एक ए कैंसिल, के क्यू इसको क्या लिख सकते हो 2√2 डिवाइड बाय √2 3√3, इसको 3√3 लिख सकते हो, अरे 3 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो 3 × 3 की पावर 1/2, तो ये 3√2, ए इससे कैंसिल, तो के क्यू इंटू क्या बना 2KQ 3√3 इंटू ए का स्केयर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अब क्या लिखेंगे, सॉल्व हो गया होगा शायद, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या लिखेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई मैक्सिमम कितना हो गया 2KQ 3√3 ए स्केयर। ठीक है, तो ये आगे क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ग्राफ और बना लो, अगर इसको माइनस पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू ए बाई रूट टू पुट करी है ना, एक्स की वैल्यू अगर माइनस पुट करोगे तो यहाँ आंसर में सिर्फ माइनस आ जाएगा, उसको मैं ग्राफ में दिखा देती हूँ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू एट इस तरीके से, यहाँ पे एक्स कितना होगा ए बाई रूट टू और यहाँ पे x कितना होगा माइनस ए बाई रूट टू। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस x एक्सिस, तो इन इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ना, सब अच्छे से तैयारी करो। ओके।